भारतीय महिला हॉकी टीम का टोक्यो में कमाल। पहली बार महिला हॉकी टीम पहुंची सेमीफाइनल में। ओलंपिक के इतिहास में भारतीय महिलाएं पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में महिला हॉकी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन से इतिहास रच दिया है। टीम ने क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया। भारतीय टीम के लिए एकमात्र गोल गुरजीत कौर ने किया। भारतीय टीम अब मेडल जीतने से महज एक कदम दूर है। इस जीत में टीम के डिफेंडर्स और गोलकीपर सविता के साथ गुरजीत ने अहम भूमिका निभाई। इस क्वार्टर फाइनल से पहले भारतीय टीम अपने ग्रुप के चौथे नंबर पर थी और ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने ग्रुप में टॉप पर थी। क्या आप भी हैं लॉकडाउन और बेरोजगारी से परेशान? तो घबराएं नहीं, इस लॉकडाउन और बेरोजगारी में भी आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है इजी कैश पॉइंट। इजी कैश पॉइंट मौका दे रहा है बहुत ही कम खर्च में CSP यानी ग्राहक सेवा केंद्र खोलने का मौका। CSP खोलकर आप कमा सकते हैं 10 से 20 हजार रुपए प्रति महीना। मनी ट्रांसफर, आधार कार्ड से पैसे निकलवाने की सुविधा, सभी कंपनियों के मोबाइल व DTH रिचार्ज, बिल पेमेंट, पैन कार्ड जैसी सुविधाएं और सभी ट्रांजैक्शन पर पाएं तुरंत कमीशन। आज ही CSP ID लेने के लिए और CSP संबंधित जानकारी पाने के लिए संपर्क करें 9162571443 पर। ग्रुप स्टेज की बात करें तो भारतीय टीम ने 14 गोल खाए थे और सिर्फ 7 गोल किए थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप स्टेज में 13 गोल किए थे और सिर्फ 1 गोल खाया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रानी रामपाल की कप्तानी वाली इस टीम ने कितनी बड़ी जीत हासिल की है। मालूम हो पुरुष हॉकी टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। कल बेल्जियम के साथ होगा भारतीय पुरुषों का मुकाबला। भारत की दोनों हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। देखना दिलचस्प होगा क्या दोनों टीमें दिला पाएंगी भारत को मेडल।